नाक डाल। ओए बच गई। अबे रोड में इतना खतरनाक गड्ढा। तो अपनी ऑफ रोडिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है। हम लोग जितना हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ उतने हमसे छोटे होते जा रहे हैं। उतर जाए आगे नहीं बढ़ रही। इसके नीचे पत्थर है क्या? शिट, गीली मिट्टी है। ओ भैया, हाय राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले लगा लेते हैं पिठिया। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि एक पहाड़ का टॉप होने वाला है। मतलब पहले नॉर्मल रोड, उसके बाद ऑफ रोडिंग आएगा बहुत खतरनाक वाला, शायद अगर वैसे ही रोड होगी कभी भी। और बस उसके ऊपर आएगा टॉप में मंदिर। चलो। अरे 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 आगे रोको। तो पहले यहाँ से हमको जाना है धौलचना, और फिर वहाँ से धौलचना से एक रोड कट जाएगी और फिर मिलेगा हमको ऑफ रोडिंग। अरे गुजरात का नंबर दोस्तों। सो गाइस, ये है अल्मोड़ा का मॉर्निंग व्यू। धौलचना का जो डिस्टेंस है वो है 33 किलोमीटर, और उसके बाद अपने को मिलेगा वहाँ से ऑफ रोडिंग, वो अलग डिस्टेंस है अभी। ठीक है, तो हम लोग पहले धौलचना जाएंगे, वहाँ से अलग रोड कट जाएगी विमल कोट के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं विमल कोट। नेहा गई है अभी यहाँ पे एटीएम में रुपए निकालने के लिए, और एक जन ने पूछा था कि तुम लोग कितने ट्रैवल करते हो, खर्चा कितना आता है। तो खर्चा देखो ज़्यादा तो नहीं आता है, क्योंकि हम अभी तक कहीं होटल वोटल में रुके नहीं है। तो खर्चा सिर्फ स्कूटी लेती है, इसके तेल का खर्चा बस। और यार यहाँ पे ना पूरा फॉग हो जा रहा है, देखो मेरे हेलमेट में पूरा फॉग रही है तो सही फुल है शायद ये। यार इसमें पूरा फॉग हो जा रहा है वाइजर में, ये देख। क्या ऐसे मत चलाना। ये देख भैया, कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ से हमको जाना है कसार, अरे अरे अरे, तो यहाँ से हमको जाना है कसार देवी वाली रोड में, और नीचे वाली रोड जा रही कोसी रोड। तो फिर से यहाँ से ऊपर वाली रोड को जा रही कसार देवी की रोड, और नीचे जा रही चितई मंदिर वाली रोड। तो हम लोग जा रहे हैं चितई मंदिर वाली रोड में। चितई मंदिर हम लोग जाएंगे नेहा के बर्थडे में। और हाँ दोस्तों, नेहा का जन्मदिन जो है वो आने वाला है। अभी क्या रखा है येरा दोस्तों, चितई मंदिर बोलो देवता का मंदिर है। यहाँ पर आएंगे हम 1 तारीख को, क्योंकि नेहा का जन्मदिन है राखी के अगले दिन। तो वाइजर में जो फॉग जमा हो रहा था ना, वो भी अब जा चुका है भाई। सुबह सुबह इतनी गाड़ियाँ चल रही है ना, क्या ही बताएं। तो रहन दो फिर, अब रोड में गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो क्या चलेंगे फिर। बात सही है। तो बेसिकली अभी हम लोग हैं जागेश्वर वाली रोड में, जागेश्वर वाली रोड बोलो या तो फिर पिथौरागढ़ वाली रोड बोलो, पिथौरागढ़ के लिए भी यही रोड जाती है। हम इसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं कब से। इस वाली रोड में मोड़ इतने ज्यादा है ना कि अंकल भी हमको पास नहीं दे पा रहे, और गाड़ियां भी बहुत ज्यादा चल रही है। यहां से धौलचना है भी 20 किलोमीटर। अभी रोड में इतना खतरनाक गड्ढा, और गड्ढे में पानी, ये देखो भाई कितनी गाड़ियां चल रही हैं यार। आज सुबह सुबह का समय है, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, कोई पिथौरागढ़ से आ रहा है, कोई पिथौरागढ़ को जा रहा है। जब अपना पी अल्फाबेट आ जाएगा ना दोस्तों, पी से पिथौरागढ़, तब आपको पूरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट घुमाया जाएगा। तो भैया ये रही धौलचना की रोड, और ये पीछे जा रही है ना ये वाली जागेश्वर की रोड है, हमने पकड़ लिया धौलचना वाली रोड, जो कि जाती है यहाँ से थल, गंगोली हाट, बैरीनाग। रास्ता कुछ इस प्रकार का है कि पूरा जंगल वाला रास्ता है, शॉप वगैरह तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। हाँ, जो गांव आएंगे बीच में जैसे धौलचना, बाड़चना ऐसे, तो आपको यहाँ पे पूरी मार्केट मिलेगी। और जो सामने वाली गाड़ी है ना, ये भी थल जा रही होगी या तो फिर पिथौरागढ़ या तो फिर मुंशारी, इन तीनों में से कहीं एक जा रही है वाली गाड़ी। और यहाँ पे आपको गाइस आपको मैगी पॉइंट भी मिल जाएंगे, मैंने अभी पीछे 2 मैगी पॉइंट देखे। धौलचना यहाँ से 4 किलोमीटर, और पूरा जंगल वाला रास्ता, तो मुझे लगा शायद यहाँ पे ढाबे वगैरह नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी सारे ढाबे मैगी पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं धौलचना, यहीं से ऊपर को ना नया चलूँ। और ये देखो रास्ता ऐसा छुपा हुआ है, धौलचना जाने का रास्ता ऐसे छुपा हुआ है। तो दोस्तों अपनी ऑफ रोडिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, अभी और ज़्यादा होगी आगे जाके। भाई साफ फिसल रही है स्कूटी इधर। एक तो कल बारिश भी हुई थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा गीला गीला हो चुका है, जिसमें कि स्कूटी फिसलती है। चलो 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 नया, ये क्या हो रहा है। अभी हम लोगों को पता है बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना है, बस अब सही आ गया रास्ता। भाई यहाँ पे ना रिजॉर्ट वगैरह भी हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजॉर्ट खोल रखे हैं, मतलब जब हम 2 साल पहले आए थे ना तभी भी थे। ये देखो कितना बढ़िया है लुक वाइज,
ये बीच में ब्रिज जैसा भी बना रखा है। ओ भैया ओए जा, कुछ लगा, हाँ पत्थर टकराया स्कूटी में। ये रास्ता कहाँ से यार? हाँ बैठ बैठ। तो हम लोग ओए 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 ओए, कौन सा नीचे वाला? ये नीचे वाला। ओए भाई साहब, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से ऊपर को चले गए थे, यहाँ से ऊपर को होटल का रास्ता है, यहाँ से नीचे को जाना है। भयंकर नया, ये कल बारिश की वजह से हो रखा है। ये वाला भी हमने लास्ट टाइम देखा था, ये वाला रिजॉर्ट भी होम स्टे टाइप है ना, अच्छा लग रहा है। बट यार वो तो अच्छा लग रहा है, हम क्या ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे दादा स्कूटी से। मुझे भी लग रहा है, ये ना एक्चुअली कल बारिश की वजह से हो रखा है, बारिश की वजह से पूरा गीला हो गया, कल हुई थी खतरनाक बारिश। हम लोग भी स्कूटी लेके ऐसे चलते थे ना एडवेंचर करने। यहाँ से ऊपर को जाना है दोस्तों हमने। और देखो ये भी कितना सुंदर होटल है यार, यहाँ होटल बहुत अच्छे अच्छे है ना, बढ़िया खोल रखे हैं। ओए 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 दोस्तों, जहाँ तक जाया जा सकता है वहीं तक ही जाएंगे यार, अपनी जान भी प्यारी है। आपको अभी मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देने हैं, पूरा उत्तराखंड घुमाना है। अभी हाइट चढ़ाई है, फिर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आंटी विमल को रही है ना, मिलेगा तुम्हें एक गेट मिलेगा ऐसे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाकर। 1.5 किलोमीटर यहाँ से गेट मिलेगा, अगर आगे जाना चाहोगे तो फिर हाँ हाँ वहाँ से अंदर यहाँ से। ठीक है थैंक यू। नया विमल कोर्ट के 2 गेट है ना, तो पहले गेट तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे शायद, दूसरे गेट तक दिक्कत होगी। यहाँ से भी बिनसर व्यू होम स्टे है, यहाँ से नीचे को नीचे वाली रोड जा रही है होम स्टे के लिए, और हमने जाना है ऊपर। मंदिर का पहला गेट ये रहा दोस्तों, मंदिर का पहला गेट ये रहा। अगर हम लोग इस वाले गेट से जाएंगे ना तो हमको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन हम यहीं से आगे आगे को एक और गेट पड़ता है, वहाँ से हमको ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे स्कूटी जाना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी ऐसा वाला रास्ता था, देखो प्लेन रास्ता है, थोड़ा सा पीरों को गिराया हुआ है बट नॉर्मल है। लेकिन आगे जाके ना पत्थर वाला रास्ता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो क्या करें, चलते हैं, जाना नहीं होगा फिर रोक लेंगे, देख लेंगे। यहाँ से भी रास्ता है लेकिन यहाँ से चलना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे देखे, इस बोर्ड में लिखा हुआ मैप जैसा बना है ना, न यार वृद्ध जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर यहाँ से भी रास्ता है। हाँ ये रहा विमल कोट का मंदिर और ये रहा वृद्ध जागेश्वर। हाँ और अगर हम यहीं से आगे को चले जाएंगे तो यहाँ से 4 किलोमीटर ही वृद्ध जागेश्वर। अबे यार कैसे रास्ते मिल रहे हैं ना पहाड़ों में, इधर उधर से कहाँ कहाँ से। ओ भैया ओह उतर जा यार, वैसे जरूरत तो नहीं है, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। ये पत्थर वाला रास्ता जो है वो आ चुका है, उतर जा उतर जा, आगे नहीं बढ़ रही। इसके नीचे पत्थर है क्या? शिट, तो यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है तो सारे पत्थर नीचे आ रखे हैं। अच्छा बैठ जाए, यहाँ तक तो ठीक है, अभी थोड़ा आगे तक, उसके बाद फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि रास्ता हमने पहले भी देख रखा है ना, ना हमने बहुत ऊपर गए थे ना हम। अरे यार फिर से कंकड़ के आ गए, तो छह पत्थर में डर नहीं लग रही है, मिट्टी वाले एरिया में डर लग रही है, इसमें स्कूटी फिसल रही है ना। ओ भैया हाय राम, उतर जा, क्या गिरा? थोड़ा पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं। ओए राम, बैठ जा, इस साइड से जाएंगे ना। नया कह रही साइड से नहीं जाना, अंदर की साइड से जाना, अंदर की साइड से पत्थर ही पत्थर है, साइड से साफ है रास्ता। आ जाना पैदल पैदल, कहाँ आ रही है मैडम लिफ्ट, आ जल्दी आ। और एक जगह भी पूरा पानी पानी वाला एरिया आ गया था ना, तो वहाँ पे स्कूटी थोड़ा सा फिसलने वाली थी, फिसली नहीं, ये तो पानी उछल के आया है, बच गए हम लोग, गिरे नहीं। यहाँ से ऊपर को ना, यहाँ से आगे को वृद्ध जागेश्वर का रास्ता जा रहा है, और नहीं यहीं से ऊपर, हाँ ये रहा ना बोट, मिल गया। भाई आज हम लोग ना इस बार यहाँ तक पहुँच गए, पिछले बार क्या हुआ था ना, क्या तो चढ़ाई में तो तेजी होगी स्पीड थोड़ी सी। ये रहा दोस्तों मेन गेट, कहाँ पे रोकूँ, वहीं पे रोकती हूँ, यहाँ पे रोकती हूँ ना इधर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विमल कोट मंदिर, अभी यहाँ से अपने को जाना है थोड़ा सा चढ़ाई करके इस मंदिर के टॉप में, मतलब इस पहाड़ के टॉप में जाना है। और इस बार हम लोग यहाँ तक अपनी स्कूटी लेकर आए हैं, जब हम लोग पिछले बार आए थे ना 2 साल पहले आए थे हम लोग, यही वाली स्कूटी लेकर आए थे, तो हम लोगों ने जो नीचे वाला मेन गेट दिखाया था ना, वहाँ से हम 100 मीटर आगे गए होंगे, फिर हमने वहीं पर स्कूटी छोड़ दी, वहाँ से फिर हम पैदल आए मंदिर तक इसी वाले रास्ते से।
तो इस बार हम पूरी स्कूटी ऊपर तक ले आए। नेहा कह रही थी शायद पिछले बार रास्ता और भी ज्यादा खराब था, कंकड़ ही कंकड़, बड़े बड़े पत्थर थे तो हम नहीं ला पाए। और मेरा मानना ये है कि उस टाइम हमने, हमको पता नहीं था रोड कैसी है तो हम शायद डर रहे थे पिछले बार। अभी हमको पता था कि सड़क कैसी है तो हम लोग आ गए। मेरे को तो अच्छा लगा, एडवेंचरस मजा आ गया, लेकिन नेहा पीछे बैठी थी तो इसको डर लग रही थी। उस दिन अंकल ने जो हमको सबक सिखाया था उससे हमको याद है कि चाबी नहीं भूलनी है दोस्तों। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर में, चलते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं दर्शन। और ऊपर से आता है एक नंबर व्यू, अगर किस्मत अच्छी रही तो दिख जाएगा, वरना तो फिर भी मतलब ये पहाड़ जितने आप पहाड़ देख रहे हो ना सब हम ऊपर से देखेंगे टॉप से। कृपया मंदिर के रास्ते के बांझ ना काटें, माँ को समर्पित। ये सारे पेड़ माँ को समर्पित होंगे ना, बांझ के पेड़। ये जो आप मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, एकदम ऐसे खड़ी सीढ़ियाँ हैं सीधे से ऐसे। हमको जाना है शायद यहाँ पर, शायद मैंने यहाँ पर कैमरा सेट किया। मैं वापस नीचे गई ना, नीचे आने में दिक्कत हो रही है यार, ऊपर चढ़ाई में चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही। हम लोग जितना हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ उतने ही हमसे छोटे होते जा रहे हैं। ये देखो ये पहाड़, वहाँ नीचे जहाँ पर ग्राउंड है ना वहाँ पर हमने स्कूटी रखी है, वहाँ से इतने बड़े बड़े दिख रहे थे और यहाँ से इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं। आप सोच रहे कि नहीं, हाँ पेड़ के ऊपर बैठी और मैं यहाँ नीचे जमीन में क्यों बैठी हूँ। ले पकड़ यार, नेहा कह रही तू फोन में देख के आ रही थी। मैं फोन में देख के नहीं आ रही थी, मैं जस्ट आ रही थी और यहाँ पे पैर में फिसल गया। और ये देखो हाथ चल गया और पैर भी चल गया, यहाँ पे पूरा चल गया, उफ दर्द हो रही है इसमें। मैं ना यहाँ से नीचे को आ रही थी, मैंने सोचा मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ। जैसे यहाँ पे पाँव रखा यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरा फिसल, यहाँ पे रखा है यहाँ से फिसलते हुए इधर, और मेरा हाथ बजा इस पत्थर में तो इससे लग गई। तो यहाँ से मंदिर दिखने लग गया है, गहरी चोट। मैं भी फिर से गिरने वाली थी यार। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, मंदिर के अंदर से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, बाहर से दिखेंगे ठीक है। जो तो चप्पल स्टैंड, तो यहाँ पे शौचालय है और यहाँ पर पीने का पानी। नारियल देखिए, हाँ ये नारियल है, इसमें नारियल क्यों रखे हैं यहाँ, डिजाइन बनाने के लिए। तो हमने बैग और हेलमेट यहाँ पे रख दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर में ऐसा नहीं लिखा नहीं है कि वीडियो बनाना है, फोटो खींचना मना है, तो हमने मंदिर के अंदर वीडियो बना ली थी। तो आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे, हमने भी कर लिए। बाकी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से हिमालयस दिखेंगे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखेगा, बट दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको मिल चुकी है प्रसादी, प्रसाद में हमको मिला है बतासा और ये पुआ, मालपुआ भी बोलते हैं इसको शायद। तो हम लोग आए थे जो यहाँ पर गेट है ना, मेन गेट, हम लोग यहाँ से आए थे। जो रास्ता मैं आपको नीचे दिखा रही थी ना, जो पहला वाला गेट पड़ा, तो मुझे लग रहा है उसका रास्ता वो यहाँ पे कनेक्ट करेगा इस वाले गेट पर। और यहाँ पे जूते चप्पल उतारने वाला इधर है और यहाँ पे मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये मंदिर एकदम पहाड़ के टॉप में है और चारों तरफ पहाड़ है, उस साइड से भी, मतलब सब जगह पहाड़ी पहाड़ है। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी ना 2 साल पहले, तो मैंने बोला था मैं जब दूसरी बार आऊंगी तो मेरे अपने ड्रोन होगा, तो भाई ड्रोन तो नहीं है बट, लेकिन देखो अपग्रेड तो हुआ है। पहले मेरे पास था एंड्रॉयड, MI का फोन था शायद, हाँ MI का फोन था, और अभी मेरे पास है आईफोन। तो देखो अपग्रेड तो मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है, खुद के पैसों का आईफोन है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। तो ये जो हिमालय की चोटी दिख रही है ना, अगर ये नीचे बादल नहीं होते ना तो भाई इतने बड़े हिमालय दिखते, इतने बड़े हिमालय पूरी लाइन, बढ़िया मजा आ जाता। ये जो सामने ये वाली पहाड़ी दिख रही है ना, इसका नाम है पडियारकोट।
पडियारकोट में चंद वंशों द्वारा अदालत लगाई जाती थी, वहाँ के लोग फरियाद लेके वहाँ जाते थे और जो उनके फैसले से ना खुश होते थे वो आते थे फिर माँ विमला देवी के वहाँ पे, इसीलिए माँ विमला देवी को न्याय के लिए भी जाना जाता है। और उनका नाम विमला था और यहाँ पे अदालत लगती थी, तो अदालत को इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट, तो इस तरीके से इस जगह का नाम पड़ गया विमल कोर्ट। इस मंदिर में किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाती और नारियल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन नारियल को फोड़ना भी यहाँ पे बलि के समान ही माना गया है। और यहाँ पे इस वाले मंदिर में शादी भी होती है, जनेऊ संस्कार भी होता है। इस मंदिर के पूर्व दिशा में जागेश्वर व वृद्ध जागेश्वर, पश्चिम दिशा में बिनसर, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत का दृश्य और दक्षिण दिशा में पडियारकोट है जो कि दक्षिण दिशा ये रही। नेहा चले, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस अपने घर और मंदिर में हमने दर्शन करे, उसके बाद हम मंदिर में भी बैठे थे थोड़ी देर छाया वाले एरिया में, इतना अच्छा लग रहा था ना ठंडा ठंडा। अब चलते हैं वापस से, थोड़ा एडवेंचर करेंगे दोस्तों। अपने पास ड्रोन तो देखो है नहीं, ठीक है, जो मैं ऊपर से पूरा व्यू लेके आ सकती हूँ। तो मंदिर में हमको उस साइड वाला एरिया दिख रहा था और यहाँ से हम इस साइड वाला एरिया देख सकते हैं। चलो चलो चलो, दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, शायद देवी शेर वाला। हाँ सही कह रही है तू, ये कहाँ गया, इस मंदिर दिख रहा वो साई देवी मंदिर कहाँ है नया, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है तो वो तो हमने कवर ही नहीं किया। अभी बज रहे सुबह के 11:06 और हम लोग अल्मोड़ा से आ रहे हैं और दर्शन करके वापस नीचे भी आ गए, वापस अपने घर को जा रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। हालांकि हम बहुत जल्दी भी नहीं निकले, 8 बज गए थे हमको निकलते निकलते, क्योंकि हमारा प्लान था 7 बजे निकल जाएंगे, पर मैंने बोला कि नहीं रुकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद लेट हो गया। तूने प्रसाद रख लिया था, चाबी गए चाबी, ग्लव्स इसी में रह गए, ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है भैया, धूप आई है बहुत ख़तरनाक, तेरा हेलमेट भी तो इसी में है। दोस्तों नेहा का आने वाला जन्मदिन 1 तारीख को है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि वाइजर नीचे करने में मुझे ये कैमरा आगे करना पड़ रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कल कैमरा कुछ ज़्यादा ही सीधे रख दिया था एंगल, अभी मैंने कैमरा थोड़ा नीचे को एंगल रखा है तो वाइजर जो है इजिली बंद हो जा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। भैया शिट, यहाँ पर भैया यहाँ पर डर लग रही नेहा, नहीं 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 डर लग रही मुझे तो भैया, ये पूरा स्लिपरी बहुत ख़तरनाक स्लिपरी है, देखो भैया स्कूटी ना इन सब चीज़ों के लिए बनी नहीं है। कहाँ जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ, एक तो ढलान ऊपर से वो स्लिपरी मिट्टी, यहाँ पर हमने स्कूटी अपनी कहीं छोड़ दी थी इधर, और फिर यहाँ से हम लोग गए थे पैदल मंदिर तक। हाँ मिल गया था रास्ता, हाँ अब तो हमारे रिजॉर्ट में आ गए थे ना। हम अल्मोड़ा से, अरे अल्मोड़ा से हाँ। गाड़ी हाँ ऊपर, और हम लोग बस धौलचना मार्केट पहुंचने वाले हैं, उन्हें एकदम नीचे गए तो पैदल आएगी। भाई मुझे ना चढ़ाई में डर नहीं लगती, मुझे ढलान में डर लगती है, स्लिप भी हो रही है खतरनाक डाल, बच गई शिट, पैदल है पैदल। भाई यहाँ पे तो फिसलने वाला कुछ है ही नहीं, कहते फिसली हल्का सा, पता नहीं हल्का सा टायर स्लिप हुआ भाई, बट अच्छा हुआ मैंने कंट्रोल कर लिया। उफ, उफ, चलो ना कुछ नहीं खा रही ना, हाँ भाई अभी तो टाइम है लंच का, घर में खाएंगे। गैस नहीं कुछ बोलना चाह रही है, अपने शब्द रखना चाह रही है, बोल। मरते तरते पहुँचेगी धौलचना, ऐसा भी नहीं है मैंने खराब थोड़ी चलाई, तूने तो अच्छी चलाई है। हाँ वो रास्ता ये कितना खराब, हाँ देखो पतला सा रास्ता दिखता भी नहीं है विमलकोट जाने के लिए, लास्ट टाइम हम यहाँ से आगे को 1 किलोमीटर दूर चले गए थे, फिर गाड़ी वाले अंकल से पूछा। हाँ यहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगे, ये रही पूरी धौलचना की मार्केट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पे घर सब ग्रीन है यार, ये लास्ट टाइम भी नोटिस किया था हमने जब लास्ट टाइम आए थे, पूरा ग्रीन 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 ही है हर चीज। देखो कहीं हम लोग उस वाली पहाड़ी से आ रहे हैं, उस वाली पहाड़ी से, मैं यहाँ फोन में दिखा रही अच्छे से जूम करके, यहाँ गए थे हम लोग। गए यहाँ पे सब लोग अपने
गाय और बकरियों को चराने आए हैं। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। हम लोग पहुंच चुके हैं घर। इस ट्रांजिशन के बाद देखने को मिलेगा हमारा चिंटू। चिंटू के लिए हम चिज्जी लाए हैं। तो अब तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा वो भी हम अपने को नहीं पता है। आ गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर सब कुछ कर देना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। टिल देन ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं धौलचीना बोल देती हूँ। अगर हम लोग पहले गेट से जाएंगे ना, चलो वहीं बताऊंगी जब गेट मिलेगा।